आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। मोदी ने की पद्म पुरस्कार विजेताओं की सराहना, बोले आपकी उपलब्धियों पर देश को गर्व है। अरविंद केजरीवाल ने खेला बड़ा दांव, देश की राजनीति में इतिहास रचने जा रहे आप नेता राघव चड्ढा। हिमाचल में प्रतिबंधित झंडे और पोस्टर के साथ एंट्री पर विवाद, सीएम जयराम ने पंजाब सरकार से की बात। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए राहत, फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा में के मिलेगी एमबीबीएस की डिग्री। राजस्थान के कोटा में द कश्मीर फाइल्स पर रोक, एक माह के लिए धारा 144 लागू। अंडमान में अस्थि चक्रवातीय तूफान की प्रबल आशंका, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सैटेलाइट इमेज ने दिखाई रूस के हमले से यूक्रेन के इरपिन शहर की तबाही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं पर रोक लगाने से परहेज कर रहे हाईकोर्ट। जनरल विपिन रावत की बेटियों ने ग्रहण किया पद्म विभूषण अवार्ड, राष्ट्रपति ने 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मान। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिले में 12वीं के अंकों को नहीं मिलेगी कोई वेटेज, यूजीसी चेयरमैन ने कहा अनिवार्य होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तास्ती को लेकर हाई अलर्ट, निचले इलाकों को खाली कराया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित, बोले अच्छा है कि किसी ने मेरा नाम मेरे काम को पहचाना। गंगा को प्रदूषित करने वाले 190 उद्योगों को किया गया बंद, नदी में प्रतिदिन छोड़ा जाता है लगभग 28 करोड़ लीटर अवशिष्ट। गुलमर्ग और पहलगाम में यूएई देखी निवेश की संभावना, पर्यटन क्षेत्र में होगा क्रांतिकारी बदलाव। दिवसीय बिहार दिवस समारोह का आगाज, राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश ने दी बधाई। उन्नाव में एसपी नेता पर दलित युवती को मारकर दफनाने का आरोप, मायावती ने कहा पीड़ित परिवार को मिले न्याय। देश में विधान परिषद की एक और सीट खाली, योगी आदित्यनाथ ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को वेस्ट यूपी से लगा बड़ा झटका, केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए करीबी नेता। गदर 2 की टीम शूटिंग के लिए पहुंची काकोरी, फिल्म में लखनऊ के कलाकार भी आएंगे नजर।
सपा प्रमुख का सपा विधायक पर गंभीर आरोप, विधायक की बात न मानने पर घर से छोड़े जाते थे। अलीगढ़ से सामने आई हैरान करने वाली खबर, बच्चे को उठाने पर टूट जाती है हड्डियां, रोहित ने शरीर के अंगों टेढ़े में। अलीगढ़ में हिजाब मामले में फिर बढ़ा विवाद, एएमयू में किया गया विरोध प्रदर्शन, छात्राओं ने निकाला विरोध मार्च। एटा में बाइक और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत, हादसे में दो की मौत, तीन लोग घायल। फरीदाबाद में गौ तस्करों और रक्षकों के बीच पथराव, मौके पर फायदा उठाकर भागे तस्कर। गाजियाबाद में मोटरसाइकिल टकराने से हुआ विवाद, विवाद के दौरान दरोगा ने गोली मारकर की हत्या। गाजियाबाद में पालतू कुत्ते की पिटाई के बाद हुआ खूनी संघर्ष, युवक की कैंची घोंपकर हत्या से फैली सनसनी। लखनऊ में 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण, यूपी में नए मंत्रियों के लिए बंगले गाड़ियां तैयार, अभी 403 विधायकों को अलॉट हुए आवास, मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए भी बंगले तैयार। लखनऊ में एसपी पार्टी राष्ट्रीय सचिव ने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट, नामांकन के दौरान हुई अभद्रता पर शिकायत की। वाराणसी में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़, मारे गए मनीष सिंह पर 2 लाख का इनाम। लखीमपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में अराजक तत्वों ने किया तोड़फोड़, फायरिंग करके तोड़े कॉलेज के शीशे, छात्रों ने किया खुद को छात्रावास में क्या। अलीगढ़, दहशत पैदा करने के इरादे से लहराया तमंचा, लोगों को आता देख बाइक पर फरार हुए दबंग, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज तालग्राम के पूर्व ब्लॉक का तमंचा लहराते हुए फोटो वायरल, अवैध तमंचा लेकर धमकी दे रहे थे पूर्व प्रमुख, जमीनी विवाद में भाई को तमंचे के बल पर दी। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, 25 मार्च के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट, राज्यपाल के साथ सीएम योगी की शिष्टाचार भेंट। कांग्रेस कमेटी में नहीं थम रहा विवाद, कांग्रेस नेता मांगे प्रियंका गांधी का इस्तीफा, यूपी प्रभारी से मांगा इस्तीफा। बसपा मुखिया मायावती की सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पर भाजपा से मिले होने का आरोप। फावड़े से हमला कर 3 लोगों की हत्या के आरोपित को कोर्ट ने जेल भेजा। अलीगढ़ जिले में कैश के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, घर के पास मिलेगा मोबाइल एटीएम की सुविधा। कॉरिडोर प्रोजेक्ट के चारों चरणों का डीपीआर तैयार, 25 मार्च को प्रस्तुतिकरण। हरदोई में गोली लगने से महिला की मौत, पिता ने पति और ससुर पर लगाया हत्या का आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज।
देश भर में गूंज रहा लखनऊ के जीएमयू का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दो दिनों से 150 लोगों ने डाउनलोड किया गूंज ऐप। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात, कूड़ा डंपिंग यार्ड में जलाकर महिला की हत्या, नहीं हो पाई शिनाख्त। वाराणसी में महमूरगंज लूटकांड में नौकरी ही था शामिल, अन्य तीन सहयोगी भी गिरफ्तार। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे अखिलेश यादव, बताई यह वजह। वाराणसी में पारा 40 डिग्री के करीब जा पहुंचा, गर्म हवाओं ने कराया लू के थपेड़े का एहसास। उत्तराखंड में 23 मार्च को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, परेड मैदान के चारों तरफ रहेगा जीरो जोन। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद धामी मंत्रिमंडल पर सबकी नजरें, बदल सकते हैं कई चेहरे। हल्द्वानी में रसोई में लगा महंगाई का तड़का, तेल के बाद अब आटा और चावल के रेट बढ़े। पहाड़ पर पुष्कर राज आवास में पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत, मां ने फूल बरसाए, आरती उतारी और फिर खिलाई थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के हार से बौखलाई बसपा, 24 घंटे में बदला प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल को सौंपी कमान। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर, विधायक दल के नेता चुने गए पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। राज्य आंदोलन के शहीदों को याद करने शहीद स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, श्रद्धांजलि अर्पित कर जताया आभार। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने कहा, चुनाव से पहले किया था वादा, जल्द शुरू करेंगे प्रक्रिया। हरिद्वार में होली के बाद खुले अस्पताल, उमड़ी मरीजों की भीड़। चमोली में समूह के जरिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगा सहकार भारती। पिथौरागढ़ में 5 माह तराई प्रवास के बाद भेड़ बकरियां लौटने लगी हिमालय की ओर। पिथौरागढ़ जिले के बेरी नाग में चनकाना उंगरखेली मोटर मार्ग खस्ता हाल। भाजयुमो जिलाध्यक्ष, पिथौरागढ़ के हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर थाने में प्रदर्शन। एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने को निकली सविता, गंगा घाटी के लौथरू गांव की रहने वाली है 24 वर्षीय सविता, दिल्ली से नेपाल के लिए हुई रवाना। अमेरिका ने किया आगाह, रूस यूक्रेन पर कर सकता है केमिकल अटैक।
विदेश मंत्री 25 से 27 मार्च तक नेपाल के दौरे पर होंगे तो परियोजनाओं पर कर सकते हैं हस्ताक्षर। कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इमरान, बागियों के मतों को नहीं गिने जाने की लगाई गुहार। श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत, पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतार, अब की बारी का इंतजार करते दो बुजुर्ग की मौत। बागी सांसदों को आजीवन आयोग ठहराकर सरकार बचाना चाहते हैं इमरान, विपक्षी दलों ने वैकल्पिक रणनीति पर शुरू किया काम। यूक्रेन के इरपिन, मारियोपोल और चिनवीन शहरों में विस्फोट, क्यू में की गोलीबारी। रूस ने लगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन, कहा ये उग्रवाद को दे रहे बढ़ावा। को लेकर भारत के रवैये पर बाइडेन बोले, हमारे सारे सहयोगी एक तरफ, भारत एक तरफ। यमन विद्रोहियों का सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक, मकान और गाड़ियां खाक। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में अपना नया राजदूत किया नियुक्त। महंगा हुआ खाना पकाना, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी। सरकार को एमएसएमईज के लिए ईसीएलजीएस के तहत ऋण चुकौती अवधि बढ़ानी चाहिए, संसदीय समिति ने दिया ये बयान। हवाई यात्रियों को झटका, दिल्ली मुंबई समेत सभी व्यस्त रूट्स पर एयरफेयर में हुई बढ़ोतरी। आरबीआई को भरोसा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बावजूद 6% से ज्यादा नहीं होगी महंगाई, बेहतर स्थिति में आई अर्थव्यवस्था। कार खरीदारों के लिए गुड न्यूज, ऑटो लोन पर एसबीआई लाया है खास ऑफर। आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन, निवेशकों के लिए केंद्र आयोजित करेगा रोड शो। पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, 5 साल तक नहीं, रद्द होगा आशियाना। कच्चे तेल की आग में झुलसने लगी है इंडियन इकोनॉमी, फिच ने विकास दर पर दिया बड़ा बयान। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उछाल, एक टोकन में आया 3800% का तगड़ा जंप। तेजी पर सबसे बड़े निर्यातक ने पल्ला झाड़ा, दुनिया को दे डाली नसीहत। स्मृति मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की बड़ी उपलब्धि, मिताली हरमनप्रीत कौर की क्लब में मिली एंट्री। केएल राहुल को लगा तगड़ा झटका, तेज गेंदबाज ने आईपीएल खेलने से किया इनकार।
लाहौर टेस्ट में रोबोट कैमरे ने डाला खलल, नाराज हुए स्टीव स्मिथ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ट्रेनिंग कैंप से जुड़े पूर्व कप्तान विराट कोहली शुरू की तैयारी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कहा मार्क वुड की कमी जल्द पूरी की जाएगी। आईपीएल में सबसे तेज शतक विस्फोट, ओपनर क्रिस गेल के नाम टॉप सिक्स में सिर्फ एक भारतीय शामिल। आईपीएल 2022 के लिए मुंबई की जगत सूरत में क्यों प्रैक्टिस कर रही है एमएस धोनी की टीम, कोच ने किया खुलासा। सत्ताईस वर्ष के संजू सैमसन भारतीय बल्लेबाज को संगकारा ने टी20 क्रिकेट व विनाशकारी प्लेयर दिया करार। मारूफ ने बेटी को हवा में उछालकर मनाया जीत का जश्न, टीम ने लगातार 18 हार के बाद चखा जीत का स्वाद। ऋषभ पंत बोले हर खिलाड़ी को मिलेगी अहम जिम्मेदारी, कोच को लेकर कही बड़ी बात। गली बॉय के रैपर पर 24 साल की उम्र में हुआ निधन, रणवीर सिंह ने जताया शोक। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल ब्रेकअप के बाद पहली बार दिखे साथ, जेंटलमैन की तरह भीड़ से प्रोटेक्ट करते आए नजर। वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में कुछ अलग अंदाज में दिखेंगे राजकुमार राव, सामने आया फर्स्ट लुक। पृथ्वीराज की रिलीज से पहले निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने हासिल किया बड़ा मुकाम, मिला पद्मश्री पुरस्कार। शेट्टी ने रनवे 34 का ट्रेलर किया लॉन्च के मौके पर किया खुलासा, अभिनेता नहीं बनना चाहते थे अजय देवगन। मलाइका अरोड़ा की होटल से बोल्ड सेल्फी हुई वायरल, शीशी के सामने डीप नेक गाउन की तस्वीर में फैंस के उड़े होश। हॉलीवुड का किया बायकॉट, रूस में प्रभास की राधे श्याम दिखाई जा रही, बॉलीवुड के अलावा एशियन और कोरियन सिनेमा पर किया फोकस। काला हिरण मामले में सलमान खान को राहत, ट्रांसफर पिटीशन हुई मंजूर। आरआरआर के स्टार कास्ट पहुंची गोल्डन टेंपल, रामचरण तेजा जूनियर, एनटीआर और राजा मौली को देखने अमृतसर एयरपोर्ट में जबरदस्ती घुसे फैंस। सिल्वर स्क्रीन से भी मिल रहा यूक्रेनियों को सपोर्ट, दोबारा स्ट्रीम होगी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की वेब सीरीज। प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।